नमस्कार, मैं अजीत कुमार आप सभी मित्रों का दिल की गहराइयों से एक बार फिर विद्या एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, पेट परीक्षा लगातार हो रही है। 4 शिफ्टों में ये परीक्षा है और आज 2 शिफ्टें इसकी हो चुकी हैं। पहली शिफ्ट का विद्या एकेडमी के द्वारा आप लोगों को उत्तर कुंजी बता दिया गया है। अब दूसरी पाली की बारी है और लेते हैं हम उन्हीं प्रश्नों के जवाब को और बताते हैं कि विद्या एकेडमी की तरफ से क्या बनेगा, किस प्रश्न का जवाब। और आप देख रहे हैं लेवल तो वही पकड़ के रखा है जो सुबह वाली पाली में था, वही आज वाली पाली में। मैं कहूंगा बल्कि उससे ऊपर जाइएगा। सुबह वाली पाली की अपेक्षा में इस पाली में ऊपर लेवल को पकड़ के रखा है। और कल भी मुझे लग रहा है, जहां तक मुझे महसूस हो रहा है, कि कल भी यही लेवल या हो सकता है इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है। तो काफी अच्छा लेवल कहेंगे, मॉडरेट से हार्ड ही कहेंगे, इजी लेवल इसे कतई नहीं कह सकते हैं। तो आइए चलते हैं बिना समय को गंवाए हुए सीधे प्रश्नों के उत्तर की तरफ। और किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है अगर तो आप लोग बता सकते हैं। फिलहाल आइए तो लेते हैं हम प्रश्न को। पहले हम शुरुआत करेंगे जीएस से और उसके बाद आप लोगों के प्रश्न लिए जाएंगे अन्य सब्जेक्टों के। तो जीएस में देखते हैं क्या है प्रश्न 26वां। कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई? विलियम बेंटिक, रिचर्ड वेलेजली, जोनाथन डंकन या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 26 का रिचर्ड वेलेजली। रिचर्ड वेलेजली सही आंसर बनेगा 26 का। आगे किसी भी प्रकार का इशू हो तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया हड़प्पा का स्थल बताना है। स्वतंत्र भारत का पहला हड़प्पा स्थल, तो राइट आंसर बनेगा डी फॉर डेनमार्क। इसका रोपड़ सही जवाब बनेगा 27 का डी। ये रहा जीएस का 28वां प्रश्न। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो क्या भारवी, भास, बाणभट्ट या हर्षेण? तो राइट आंसर बनेगा सी फॉर कनाडा, हर्षेंड के द्वारा ये रचित है। आगे चलते हैं और जल्दी से जल्दी हम प्रश्नों को लेंगे। आइए, खिज्र खान दिल्ली का शासक था। 29वां प्रश्न, खिज्र खान दिल्ली का शासक था, निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सब जानते हैं खिज्र खान सैयद वंश से संबंधित था। सी फॉर चेन्नई आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 29 का। ये रहा 30वां प्रश्न। महावीर और उसके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित किस स्थान पर उपलब्ध है? पटना, श्रावस्ती, बल्लवी, श्रवण बेलगोला। राइट आंसर जाएगा विद्या एकेडमी की टीम की तरफ से सी, बल्लवी। इसका राइट आंसर 30 का सही जवाब है सी। 31वां प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, आप बताइएगा अगर कुछ भी इशू होता है तो। थोड़ा सा बड़ा है मैं कहूंगा ये प्रश्न। चलिए तो देखते हैं, मैं इसे थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बताएंगे किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को घटित होने के वर्ष में मिलाना है, तो आप इस प्रश्न को नीचे से मिलाइएगा। अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन 1918 का था, यानी चौथे का बी बनेगा। चौथे का बी एक ही ऑप्शन में, राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। देख रहे हैं आप तरीका, यही तरीका अपनाना है जिन लोगों का एग्जाम कल वाली शिफ्ट में होगा, ठीक है? क्योंकि शुरुआती ऑप्शन तो पहला, दूसरा, तीसरा मैच कर जाते हैं, तो आप कई बार अंतिम से अंजवा सकते हैं। चलिए तो हम लोग 31 में प्रश्न को कवर कर चुके हैं और यह है आपका 32वां प्रश्न। आइए, वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन से निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया और कितने वर्षों के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो गांधी जी को इसमें सजा सुनाई गई थी 6 वर्ष की। कितने वर्ष की? 6 वर्ष की। राइट आंसर डी फॉर डेनमार्क आंसर बनेगा 32 में प्रश्न का। 33वां प्रश्न क्या है?
भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में से विभाजित कर दिया गया, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935। दूसरा कौन सा था? तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935 था दूसरा। इसी के तहत बर्मा को स्वतंत्र किया गया था। सब जानते हैं, राइट आंसर बनेगा बी, प्रश्न संख्या 33 का। आइए 34वां प्रश्न लेते हैं। क्या है प्रश्न? बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र, आंध्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसे किस नाम से जानते थे? होम रूल, बंदे क्रांतिकारी या बंदे मातरम? तो राइट आंसर इसका बनेगा बंदे मातरम आंदोलन को हम नाम से जानते थे। इसे 34 का विद्या एकेडमी की तरफ से यह आंसर जा रहा है। आइए 34 हमने अटेम्प्ट कर लिया है, चलते हैं प्रश्न संख्या 35 की तरफ और आप लोग मिलान करें और देखते रहें, परखते रहें कि कितने आप लोगों के सही जा रहे हैं। 35वां प्रश्न है, किसे भूरा कोला कहते हैं? एंथ्रेसाइट, कोक, लिग्नाइट, बिटुमिनस? सही आंसर बनेगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहते हैं, बी फॉर बॉम्बे। 35 का ये है जवाब विद्या एकेडमी की तरफ से। आइए 36वां प्रश्न हम लेते हैं। तो 36वां प्रश्न कह रहा है कि मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? तो ऊपरी सीमा को क्या कहते हैं? जल तालिका कहते हैं, सी फॉर चेन्नई, वाटर टेबल इसे इंग्लिश में कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 36 का मैं बार बार आपसे बता रहा हूं, लेवल वही पकड़ के रखा है जो सुबह वाली पाली में था, बल्कि उससे ऊपर लेवल है और मैं कहूंगा अच्छे लेवल के प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि पेपर को हम आसान कह सकें, आसान कतई नहीं है पेपर, पेपर अच्छे लेवल का है। चलिए आइए 37वें प्रश्न को लेते हैं। 37वें प्रश्न को लेते हैं हम। कह रहा है कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया में गए थे? रासबिहारी बोस, शरद चंद्र बोस, चित्रंजन दास या बारिंद्र घोष? तो सुभाष चंद्र बोस रासबिहारी घोष के कहने पर गए थे, ये आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब। 38वां प्रश्न है, हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना है? शिवालिक श्रेणी, असम हिमालय, पूर्वांचल या कुमाऊं? तो राइट आंसर जाएगा इसका ए फॉर अमेरिका विद्या एकेडमी की तरफ से, शिवालिक बनेगा प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब। 38 तक हम आ चुके हैं और ये रहा आज का अगला प्रश्न 39वां। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहां स्थापित किया गया? फाल्टा पश्चिम बंगाल, कांडला गुजरात, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सांता क्रूज महाराष्ट्र? तो ये किया गया कांडला गुजरात में, बी फॉर बॉम्बे। राइट आंसर प्रश्न संख्या 39 का। आगे 40वां देखते हैं, क्या है प्रश्न? अल नीनो एक जटिल मौसम प्रणाली है जो हर 3 से 7 साल में एक बार दिखाई देती है, अल नीनो शब्द का अर्थ क्या होता है? तो चाइल्ड क्राइस्ट, अल नीनो शब्द है बाल मसीह, ऐसे बोला जाता है, बी फॉर बॉम्बे। राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 40 का। 41वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हों और पृथ्वी पर रेत के रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? क्या नामीब रेगिस्तान, सोनोरा, आटाकामा, रब अल खली रेगिस्तान? तो राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 41 का डी फोर डेनमार्क, रब अल खली रेगिस्तान। चलिए तो 41 हम पकड़ चुके हैं, प्रश्न कर चुके हैं यहां तक। आते हैं हम लोग 42वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या है 42वां प्रश्न। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेड़ों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, बंगलुरु? तो प्रथम चरण में बेंगलुरु नहीं था, राइट आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे। प्रश्न संख्या 42 का। सब लोग मिलाते रहें और देखते रहें कि आप लोगों के कितने सही हैं। चलिए हम लेते हैं अगले प्रश्न को। तो ये है आज का अगला प्रश्न 43वां प्रश्न, क्या है? पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और खाद्य कार्य उत्पादक पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना और बहुत
सफल रहा, पांचवी, छठवीं, सातवीं या प्रथम? तो राइट आंसर जाएगा विद्या एकेडमी की टीम की तरफ से डी फॉर डेनमार्क, सातवीं पंचवर्षीय योजना। प्रश्न संख्या 43 का राइट आंसर ये बनेगा। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? क्या अंबेडकर, महात्मा गांधी, विश्वेश्वरैया या फिर नॉर्मन बोरलॉग? तो इसके फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लान में एम विश्वेश्वरैया राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 44 का सी फॉर चेन्नई। चलिए प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्याय चुनाव आयुक्त थे? तो बी जवाब बनेगा सुकुमार सेन, और सब लोग जानते हैं, सब लोग करके आए होंगे। इसी क्रम में हम लेते हैं आज का अगला प्रश्न, 46वां प्रश्न, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1946 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? क्या अध्याय द्वितीय, अध्याय प्रथम, अध्याय तृतीय या अध्याय चतुर्थ? तो ये है अध्याय द्वितीय में, समान पारिश्रमिक एक्ट 76 के अध्याय द्वितीय में ये बात कही है। 46 का राइट आंसर ए फॉर अमेरिका। चलिए जीएसटी 47वां प्रश्न है, जीएसटी कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्वाह प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ का कम करती है? इनपुट क्रेडिट कर, ऑनलाइन अनुपालन, संरचना कर, गंतव्य आधारित? तो मैं जाना चाहूंगा इस पर डी फॉर डेनमार्क, गंतव्य आधारित कर। इस प्रश्न को आप देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 47 का, मैं जाना चाहूंगा डी की तरफ। और चलते हैं हम प्रश्न अगले की तरफ। तो क्या है अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 48वां कि निम्नलिखित में से किस मामले पर अकेले केंद्रीय विधानमंडल के पास कानून बनाने की शक्ति है, जिसे अवशिष्ट शक्तियों के रूप में जाना जाता है? तो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास ही होती हैं, कौन सी हैं? पशुधन, पशुपालन, व्यापार और वाणिज्य या फिर साइबर क्राइम? तो कौन सा है? साइबर क्राइम बनेगा। राइट आंसर सी फॉर चेन्नई। एक बार पुनः आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 48 का। आइए उनचासवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जानवर में अच्छी तरह से विकसित जल संवहनीय तंत्र होता है? इस प्रश्न को देखें, और स्टारफिश, हाइड्रा, स्पंज या जेलीफिश? तो मैं इसमें जाना चाहूंगा स्टारफिश के साथ, ए फॉर अमेरिका। स्टारफिश जो इकाइनोडर्मेटा फाइलम का जीव है, तो इसमें विकसित जल संवहनीय तंत्र होता है, ए फॉर अमेरिका। 49 का राइट आंसर। 50वां प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि किस चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? चालक का पदार्थ, लंबाई, इसके क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल के विपरीत, या चालक की आर्द्रता? तो ह्यूमिडिटी ऑफ द कंडक्टर पर मैं जाना चाहूंगा, विद्या एकेडमी टीम की तरफ से इसका राइट आंसर है 50 प्रश्न का, चालक की आर्द्रता, डी फॉर डेनमार्क। राइट आंसर प्रश्न संख्या 50 का। ये रहा आज की दूसरी पाली का 51वां प्रश्न, जिस सीरीज को मैं लगा रहा हूं उसका ये सामान्य अध्ययन का 51वां प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है कि राज्यपाल विधानसभा को संबोधित कर सकते हैं तथा राज्यपाल सदन को संदेश भेज सकता है? आर्टिकल 165, आर्टिकल 176, आर्टिकल 175 या आर्टिकल 164? तो ये इसका सही जवाब जाएगा मेरे हिसाब से आर्टिकल 175 बनेगा। राइट आंसर 51 का सी सही जवाब बनेगा मेरे हिसाब से। चलिए बावनवां प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेशों, निर्णयों और मामले के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्थान, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड? तो डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर बनेगा, ये मेरे हिसाब से डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर बनेगा। प्रश्न संख्या 52 का डी फॉर डेनमार्क, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड। त्रेपनवां प्रश्न, चलिए साइंस का प्रश्न है, मानव मस्तिष्क में दो न्यूरॉन के बीच के अंतर को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? सिनेप्स, एक्सॉन, इंपल्स
या डेंड्रॉइट, तो सिनेप्स के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 53 का राइट आंसर बनेगा ए फॉर अमेरिका सिनेप्स। चलिए ये अगला प्रश्न है सामान्य अध्ययन का 57वां प्रश्न। कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कच्चे आमों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो 57 का जवाब बनेगा, वो बनेगा इसमें मेरे हिसाब से टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड कच्चे फलों में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड होता है। तो आप लोग मिलाते रहें और बताते रहें कि कितने आप लोगों के सही हैं और कितने नहीं, तो ये चीज आप खुद परखते रहेंगे। तो 57 का सही जवाब क्या बनेगा, टार्ट्रिक एसिड। इसी क्रम में आज हम लेते हैं इसी पाली का अगला प्रश्न 58वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग भूमिगत जल दबाव को मापने, जल गुणवत्ता परीक्षण के पानी का नमूना लेने के लिए करते हैं, मैनोमीटर, पीजोमीटर, पैरोमीटर, गेज एडेप्टर। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी फॉर बॉम्बे पीजोमीटर। प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब पीजोमीटर। ये था 58वां प्रश्न। और देखते हैं सामान्य अध्ययन के कितने शेष प्रश्न बचे हुए हैं, अगर और कोई भी प्रश्न है तो हम उसे भी लेते हैं। तो चलिए ये आ चुके हैं कुछ करंट के प्रश्न हैं, करंट के प्रश्न को हम लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 से हम शुरुआत करेंगे। 76 में क्या है, किसने हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया है, भूपेंद्र यादव, श्रीजी किशन रेड्डी, अमित शाह या पुष्पेंद्र बोहरा। तो फ्लड वॉच जो शुरुआत की गई वो शुरू किया गया श्री पुष्पेंद्र बोहरा, डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 का 77वां प्रश्न कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निवृत्त में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, कृति मंदिर, गांधी दर्शन, महात्मा गांधी या गांधी बाग। तो ये गांधी बाग या बगीचा या वाटिका नाम से भी इसे जानते हैं, डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। प्रश्न संख्या 77 का लेते हैं 78वां प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण किया, तो ये कहां किया गया अनावरण, ये किया गया डी फॉर डेनमार्क मुंबई राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 का जवाब। 79वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा किया गया, क्या शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। तो राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 79 का ए फॉर अमेरिका शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। ये रहा सही जवाब प्रश्न संख्या 79 का। आइए 80 में प्रश्न को लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान दिया गया, एनपी सऊद, संदूक रोहिल, पुष्प कमल दहल या फिर डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल। तो इसका सही जवाब बनेगा माधव प्रसाद पोखरेल को यह सम्मान दिया गया, डी फॉर डेनमार्क राइट आंसर। प्रश्न संख्या 80 का जवाब जा रहा है विद्या अकेडमी की टीम की तरफ से। और लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 81वां। हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया के सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया, निम्नलिखित में से वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क कौन सी है, तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न 81 का उमलिंगला दर्रा ए फॉर अमेरिका राइट आंसर। 82वें प्रश्न को लेते हैं और देखते हैं क्या है 82वां प्रश्न। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संबंध कार्यक्रम लॉन्च किया, भारतीय विज्ञान संस्थान अहमदाबाद, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद या फिर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली। तो ये जारी किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब। 82 प्रश्नों को हमने हल कर लिया है और लेते हैं अगला 83वां प्रश्न।
सऊदी अरब साम्राज्य ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर दक्षिण पूर्वी एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TEC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए? वियतनाम कंबोडिया, नेपिडा म्यांमार, जकार्ता इंडोनेशिया या बैंकॉक थाईलैंड? तो राइट आंसर बनेगा सी फॉर चेन्नई, जकार्ता इंडोनेशिया। विद्या एकेडमी की टीम की तरफ से 83वें प्रश्न का सही जवाब सी फॉर चेन्नई। 84वां प्रश्न दिख रहा होगा आपको, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूल या कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए 15 सितंबर मनाया जाता है? किफायती दिवस, संग्रहण दिवस, संचय का दिवस या संकलन दिवस? तो राइट आंसर बनेगा इसका संचय का दिवस, डी फॉर डेनमार्क। राइट आंसर बनेगा इसका डी फॉर डेनमार्क, 84वें प्रश्न का सही। 85वां प्रश्न हम लेते हैं। 85वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बना है? बताना है कि ब्रिक्स का कौन सा नया देश नहीं, सदस्य नहीं बना है? इथोपिया, क्यूबा, ईरान या फिर सऊदी अरब? तो राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 85 का मेरे हिसाब से क्यूबा। राइट आंसर क्या बनेगा? क्यूबा, सी फॉर चेन्नई। राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 85 का। चलिए आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 86 को। क्या है प्रश्न संख्या 86? प्रश्न संख्या 86, तो बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में ICCR में शामिल हुआ। ICCR का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिपोर्टिंग, इंटरनेशनल कमेटी फॉर क्रेडिट रिजर्व, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर क्रेडिट रिजर्व। तो इसका राइट आंसर बनेगा इंटरनेशनल कमेटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग, यानी ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब ये रहा। चलिए आगे आइए, प्रश्न संख्या 87। खसावा दादा साहिब जादव, इन्हें केडी जादव कहा जाता है, किससे जुड़े हुए थे? ओलंपिक पदक जीता था इन्होंने, तो ये जुड़े किससे थे? ये सी फॉर चेन्नई, कुश्ती से जुड़े हुए व्यक्ति थे केडी जादव। और चलते हम अगले प्रश्न की तरफ, 88वां प्रश्न लेते हैं। क्या है 88वां प्रश्न? पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसे ओपेक कहते हैं, स्थापना के लिए सम्मेलन कहां हुआ था? तो ओपेक की स्थापना के लिए कहां सम्मेलन हुआ था? यह हुआ था बगदाद में, ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर, चलते हैं प्रश्न संख्या 88 का ए फॉर अमेरिका। राइट आंसर 89 की तरफ आइए, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो देखिए बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपने अपने हिसाब से हर प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, तो इस प्रश्न का मैं जो उत्तर बता रहा हूं मेरी तरफ से जो मुझे ठीक लग रहा है अंग्रेजी, तो मैं इसका ए फॉर अमेरिका अंग्रेजी की तरफ से जाना चाहूंगा। चलिए 89 का क्या बनेगा मेरे हिसाब से? ए फॉर अमेरिका ये आंसर बनेगा। चलते हम अगले प्रश्न की तरफ, 90वां प्रश्न लेते हैं। क्या है 90वां प्रश्न? निम्नलिखित में से किससे संबंधित एकमात्र उदाहरण है जो भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया? हिंदू कोड विधेयक, दहेज निषेध अधिनियम या पेप्सू विनियोग विधेयक, भारतीय डाकघर विधेयक? तो राइट आंसर प्रश्न संख्या 90 का बनेगा भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, डी फॉर डेनमार्क। राइट आंसर जा रहा है। आगे ये रहा 91वां प्रश्न, ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और दृष्टवती के बीच का भूभाग डैश के नाम से जाना जाता था, क्या ब्रह्मवर्त, बर्णावत, तक्षशिला या इंद्रप्रस्थ? तो इसे ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। राइट आंसर बनेगा ए फॉर अमेरिका, ब्रह्मवर्त। 91वां प्रश्न का यह है सही जवाब। 92वां प्रश्न क्या है? 92वां प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान NIO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कोच्चि केरल, डोनापोला गोवा, मुंबई महाराष्ट्र या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो स्थित है इसका मुख्यालय यह है डोनापोला गोवा, बी फॉर बॉम्बे। राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 92 का सही जवाब। 93वां प्रश्न लेते हैं, इतिहास का प्रश्न है और काफी मैं कहूंगा उच्च लेवल का एग्जाम जा रहे हैं ये पैट वाले। निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक लिखी?
रविन्द्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला हरदयाल। तो हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये पुस्तक थी लाला हरदयाल की। सी फॉर चेन्नई आंसर बनेगा इसका 93वें प्रश्न का। ये है इस पाली का 94वां प्रश्न। क्या है 94वां प्रश्न, आइए देखते हैं। उस जल डमरू मध्य का नाम बताना है जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है, फार्मोसा, बोस्पोरस, सुंडा या फिर मलक्का। तो राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 94 का, सी फॉर चेन्नई, सुंडा, जल डमरू मध्य। ये है सही जवाब प्रश्न संख्या 94 का। चलिए लेते हैं 95वां प्रश्न। गुजरात के छोटा उदयपुर क्षेत्र में आमतौर पर पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र अर्पण किए जाते हैं। पिथौरा का अर्थ क्या है? अग्नि के देवता, अन्न के देवता, वन के देवता या लकड़ी के देवता? तो मैं इस प्रश्न पर स्टार देना चाहूंगा। इसका सटीक आंसर क्या होगा ये देखना पड़ेगा, आयोग क्या मानता है। इसमें से मुझे लग रहा है वो अन्न या लकड़ी का है, इसमें से कोई एक देखा जाएगा। तो अन्न के देवता और लकड़ी के देवता मेरे हिसाब से, इसे आयोग के ऊपर हम छोड़ के चलते हैं इस प्रश्न को। तो मैं फिर भी इस प्रश्न का लगाना चाहूंगा, ये मेरा निजी मानना है, सी लकड़ी के देवता। चलिए देख सकते हैं, आइए आइए इसके अलावा कुछ और पार्ट लेते हैं हम। इंग्लिश का देखते हैं सेक्शन किधर है, आइए छियासठ से देखते हैं। इंग्लिश का सेक्शन मेरे हिसाब से यही है, तो 66 से लेते हैं। क्या है 66वां प्रश्न? पुट द करेक्ट आर्टिकल डैश, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी एन भारत नेक्स्ट वीक। तो आर्टिकल क्या लगेगा इसमें, करेक्ट आर्टिकल। तो राइट आंसर बनेगा सी फॉर चेन्नई, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब सी फॉर चेन्नई। 67वां प्रश्न कह रहा है कि अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, इसका राइट आंसर क्या बनेगा? इसका बनेगा बी फॉर बॉम्बे, क्लेप्टोमेनिया, बी फॉर बॉम्बे। चलिए सही जवाब। अगला प्रश्न लेते हैं आगे। 68वां प्रश्न क्या है, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बताना है। ब्रैड प्लेस क्रिकेट फुटबॉल, तो ब्रैड प्लेस क्रिकेट फुटबॉल में जो सही प्रीपोजिशन है वो है वेसाइड्स, डी फॉर डेनमार्क, राइट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 68 का। तो आप लोग इंग्लिश का भी मिलाते चलें, बाकी अन्य का भी उपलब्ध कराया जाएगा क्रम वे में। आइए ये एक पैरा है और ये पैरा के प्रश्न देखते हैं। 69वां प्रश्न क्या है इस पैरा का, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल एम्बेलम, टाइगर, हॉर्स, बुल, एलिफेंट। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए फॉर अमेरिका, टाइगर, ए फॉर अमेरिका। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर। 17 प्रश्न देखते हैं, 17th प्रश्न है, 70वां प्रश्न है। क्या है 70वां प्रश्न, व्हाट इज इन द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, लियोन, बुल, लोटस या धर्मचक्र? तो धर्मचक्र सेंटर, राइट आंसर बी फॉर बॉम्बे। प्रश्न संख्या 70 का। तो ये थे कुछ ऐसे प्रश्न जो सामान्य अध्ययन और इंग्लिश, सामान्य अध्ययन और सामान्य अंग्रेजी के थे, जिसके मैंने सही और सटीक जवाब देने का प्रयास किया है। अब बाकी बचे हुए सेशन को मुकुल सर के द्वारा कराया जाएगा। तो चलते हैं हम अगले सेशन की तरफ। तो अब अगले प्रश्न मुकुल सर के द्वारा कराए जाएंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ये पेपर जा रहे हैं, अभी देख रहे हैं आपके मॉडरेट से हाई लेवल जा रहा है इसमें। तो आप इसी प्रकार की आशा की जाती है कि शायद हो सके कि कल जो पालियां दिखें उनमें इसी प्रकार का लेवल रहेगा। तो चलिए कल के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी के आधार पर आपको कल मिलेगा। लेकिन बचे हुए प्रश्नों को अब मुकुल सर के द्वारा कराया जाएगा। चलिए नमस्कार सभी का पेपर कैसा रहा एक बार सभी लोग बता सकते हैं कमेंट में, अपने बता सकते हैं कि आज के पेपर आपको पेपर का लेवल कैसा लग रहा है। तो सभी लोग एक बार कमेंट में, जो भी लोग पेपर देकर आए हैं एक बार अपना
फीडबैक पेपर के प्रति दे सकते हैं और हम पेपर के उत्तर सभी चेक कर रहे हैं जिसमें आपने सभी जीएस के प्रश्नों के सभी उत्तर लगा रखे होंगे। तो देखिएगा आगे पहला प्रश्न हमारा गद्यांश से संबंधित दे रखा है। गद्यांश में यह हमारा एक गद्यांश दे रखा है और गद्यांश में पहला प्रश्न दे रखा है कि गद्यांश में कायर किसको माना गया है। गद्यांश में कायर किसको माना गया है जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय ले या जो युद्ध में शत्रु को पीठ दिखाकर भागे या जो पड़ोसी के ललकारने पर घर के अंदर छिप जाए या जो मेहनत करने से पीछे हटे। तो गद्यांश के अनुसार अगर उत्तर देखेंगे तो आपका उत्तर बनेगा पहला। क्या बनेगा? पहला उत्तर बनेगा कौन सा बनेगा? पहला उत्तर बनेगा जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लें, हम उन्हें कायर कहेंगे। ये गद्यांश के अनुसार उत्तर देना है आपको। अपना एक बार चेक कर लीजिएगा गद्यांश में कायर किसको कहा गया है। तो गद्यांश में कायर उसे कहते हैं जो मेहनत करने से पीछे हटे। हाँ, कायर किसे कहेंगे? जो मेहनत करने से पीछे हटे उसे कायर कहेंगे। दूसरे का देखेंगे भाग्य को कौन दोष देते रहते हैं। तो भाग्य को वह जो वो दोष देते रहते हैं जो प्रयत्न के अभाव में फल ना मिलने के कारण बचाव का बहाना खोजते हैं वो भाग्य को दोष देते रहते हैं। आगे देखेंगे परिश्रम शब्द की व्याकरण इकाई पूछी है। परिश्रम क्या है? तो परिश्रम सर्वनाम होगा नहीं, क्रिया विशेषण होगा नहीं, क्रियाओं के आगे नहीं लगेगा। संज्ञाओं और विशेषण में देखेंगे तो विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के आगे लगकर उनकी विशेषता बतला दे। तो परिश्रम आप किसी भी लड़का के या लड़की के आगे नहीं लगा सकते हैं लेकिन परिश्रमी लगा सकते थे। अगर परिश्रमी पूछा जाता तो विशेषण होता, इसलिए परिश्रम भाववाचक संज्ञा होगा, इसलिए उत्तर आपका संज्ञा में जाएगा। किसमें जाएगा? संज्ञा के लिए जाएगा। आगे देखिएगा चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न को देखेंगे कि जब हम अपना चिंतन केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब क्या होता है। जब हम अपना पूरा चिंतन क्या करते हैं? केवल भाग्यवाद को आधार मानकर करते हैं तब हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या होते हैं? अपेक्षित प्रयत्न नहीं करते हैं और असफल हो जाते हैं। तो क्या होंगे? लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप अपेक्षित प्रयत्न, जैसे आज की क्या था, आज का आपका लक्ष्य था यूपीपीएससी की परीक्षा और उसके प्रति अगर आपने प्रयत्न नहीं कर पाया होगा तो आपके चांस कहाँ रहेंगे? असफल होने में रहेंगे। और आज का पेपर आपको बता रहा होगा कि आपके चांस कहाँ चल रहे हैं। पांचवा प्रश्न देखेंगे तो जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है। जीवन में भाग्य का फल किसको मिलता है? भाग्य का फल मिलेगा आपको जो परिश्रम की चाबी के साथ भाग्य की चाबी मिलाकर सफलता का ताला खोलने का प्रयास करता है। आप तब तक सफल नहीं हो सकते हैं जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। परिश्रम की चाबी और भाग्य की चाबियों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर जब आप ताला खोलेंगे तो आपका ताला भाग्य, तब आपका सफलता का ताला अवश्य खुलेगा। ये प्रश्न का भी भाव है और यही हम लोगों का और सभी का भाव यही होता है। यही हमारे पांच भाव के आधार पर पांच का सी बनेगा उत्तर। आगे देखेंगे छह। तो छह से दस में हमारा डीआई दे रखा है। छह से दस में डीआई के प्रश्न दे रखे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है। डीआई का लेवल आप मान सकते हैं कि गणित में इससे लेवल, इससे कठिन डीआई शायद ही किसी किताब में होगी। इस लेवल से आपके डीआई से प्रश्न बनाए गए हैं। तो देखिएगा पहला रेखा चित्र से संबंधित डीआई है और रेखा चित्र में अगर हम देखेंगे तो पहला प्रश्न दे रखा है कि स्नेहा कैलाश से दोगुनी कुशल है। स्नेहा क्या है? दोगुनी, कैलाश से दोगुनी सफल है। अर्थात स्नेहा का इसमें कहीं भी हमारे ग्राफ में, प्रश्न में नहीं भी, कहीं भी व्याख्या नहीं है। तो क्या है? कैलाश से दोगुनी है और वे दोनों मिलकर उतना ही काम करते हैं जितने समय में चमन और अक्षय मिलकर करते हैं। कैलाश व्यक्तिगत रूप से कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? अर्थात कैलाश अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? तो अगर हम एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति का कार्य से निकालेंगे कितने दिन में पूरा कर पाएगा? तो देखिएगा अगर चमन और अक्षय की बात करें तो चमन 10 दिन में कर रहा था। चमन कितने दिन में कर रहा था? 10 दिन में कर रहा था। अक्षय 15
अच्छे 20 दिन में कर रहा था, और कैलाश क्या है, कैलाश इसने यहां से दोगुना है, तो दोगुने में एक का अनुपात आएगा, एक का दो आएगा और एक का आएगा 20, अर्थात एक को 20 दिन लगेंगे, एक को 10 दिन लगेंगे, तो आपका कैलाश का दिन लगेंगे, कैलाश को अकेले काम करने में 20 दिन लगेंगे, कितने लगेंगे 20 दिन लगेंगे। आगे देखेंगे सातवां प्रश्न देखिएगा, सातवें प्रश्न को देखेंगे, दे रखा है सातवें प्रश्न में कि सातवें प्रश्न में दे रखा है कि यदि वे सभी एक साथ कार्य करें तो कार्य करने में कितना दिन लगेंगे। तो देखेंगे राकेश को 15 दिन लग रहे थे, चमन को 10 दिन लग रहे थे, अक्षय को 20 लग रहे थे इनको, और रमेश को 12 लग रहे थे और महेश को 16 लग रहे थे। इन सब का लासा निकालेंगे तो लासा बनेगा 240, और 240 से अगर इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो आएगी हमारी कितनी आएगी, देख सकते हैं 15 का 240 में 16 बार भाग जाएगा, 10 का 24 बार जाएगा, 20 का 12 बार जाएगा, 12 का 24 में 20 बार जाएगा, 60 का 16, तो 16 का 15 बार जाएगा, 16 का 15 बार जाएगा, तो आपका कितना है जो कुल काम है वो बनना है 240, और क्षमता के आधार पर सभी एक मिलके कर रहे हैं तो 16 और 24 40, 40 12 52, 52 15, 67 और 20 87 बनेगा, अर्थात 240 बट्टे 87 बनेगा, 3 से सरल कर देंगे तो 38 24 और 29 37, तो हमारा उत्तर बन जाएगा 80/29 दिन, कितना बन जाएगा 80/29 दिन बन जाएगा। अगर सभी काम को पूरा करेंगे तो आपका उत्तर सी 80/29 दिन बनेगा। आगे देखेंगे आठवां में दे रखा है कि चमन निम्नलिखित में कौन सा समूह कार्य को पूरा करने में न्यूनतम समय लेगा, तो सबसे कम समय लेंगे। आप ग्राफ को देखकर ही आपको लग रहा है कि साफ साफ दे रखा है कि चमन दे रखे हैं, और रमेश का अगर ग्राफ रेखा चित्र में देखेंगे तो चमन का दे रखा है 10 दिन और रमेश का दे रखा है 12, तो सबसे कम समय चमन और रमेश को लगेगा, सबसे कम समय रमेश और चमन को लगेगा। आगे देखेंगे दे रखा है 5 दिनों तक काम करने के बाद राकेश से अक्षय जुड़ जाता है, यदि वे शेष कार्य को 5 और दिनों में पूरा करते हैं तो अक्षय अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो आप अक्षय अकेले बताएंगे, अक्षय उस काम को अकेले 15 दिन में पूरा कर देगा, कितने दिन में पूरा करेगा 15 दिन में पूरा करेगा। इसके बाद 10वें का प्रश्न को देखेंगे तो 10वें प्रश्न में दे रखा है कि चमन और अक्षय ने संयुक्त रूप से काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद मेहर भी उनके साथ शामिल हो गया, और इस तरह उन सभी ने 5 दिनों में काम पूरा कर लिया, इन सभी को कुल मिलाकर 3000 रुपए का भुगतान किया गया, तो मेहर का हिस्सा कितना है, मेहर का हिस्सा कितना है। प्रश्न का लेवल बहुत अच्छा है, प्रश्न को आप सरल करेंगे तो आपका उत्तर 750 आएगा, कितना आएगा मेहर का हिस्सा 750 आएगा, और आपका उत्तर 10 का डी बनेगा। आगे देखेंगे अगला आपका एक आयत चित्र दे रखा था जिसमें बहुत ही आयत चित्र से बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न दे रखा था। कुछ सरल प्रश्नों को मैं आपको सरल करके दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर सरल इन प्रश्नों को सरल कब तब किया जा सकता है जब इनका एक स्पेशल इन्हीं प्रश्नों को एक एक प्रश्नों को सरल किया जाए, और एक प्रश्नों को के लिए थोड़ी सी यहाँ जगह होनी चाहिए क्योंकि प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़िया है। तो इनका सभी का एक बार विस्तृत अध्ययन आगे की क्लासों में अवश्य आपको कराया जाएगा। तो देखिएगा क्या है हमारा, कैसे करेंगे, दे रखा है वर्ष 2018 और 2021 में नौकरी करने वाले कुल व्यक्तियों का अनुपात 3:5 है, और 2021 में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीय 4400 है, अर्थात 2021 में ये जो सबके मान दे रखे थे, ये सबका 100-100 का दे रखा था, ये सबके 100-100 बता रखे थे, जिसमें बता रखा था कि 100
में भारत का 57.5 है, अफगानिस्तान 25 है और नेपाल 17.5 है। ऐसे सभी तीनों देशों का अलग अलग परसेंटेज दे रखा था। क्या दे रखा था? परसेंटेज दे रखा था। अब देखते हैं कि 2018 और 2021 में 3:5 दे रखा है और 2021 में कुल भारतीयों की संख्या 4400 दे रखी है। अगर जैसे अगर प्रश्न को सरल करना है तो 2021 में भारतीय कितने हैं? 2021 में 27.5 भारतीय है। कितने हैं? 27.5 भारतीय है। तो आप 27.5 बराबर 4400 रख के सरल करेंगे तो आपका उत्तर नेपाल में कुल का पता लगाएंगे तो नेपाल के कुल कैंडिडेट 1680 निकल के आने चाहिए। कितने आने चाहिए? 1680 आएंगे। आगे देखिएगा, बारहवें दे रखा है, यदि वर्ष 2018 में अफगानिस्तान के कुल लोगों की संख्या 2340 थी। कितनी थी? 2340 थी। और वर्ष 2018 और 2019 में अफगानिस्तान के लोगों का अनुपात 45:88 है। तो वर्ष 2018 और 2019 में मिलाकर खाड़ी गल्फ में व्यक्तियों की कुल संख्या बताइएगा। प्रश्न ये भी थोड़ा सा लेंथी था और जब आप इसको प्रश्न को पूरा सरल करेंगे, बहुत मुश्किल से सरल हुआ है, आपका उत्तर 20,800 आएगा। कितना आएगा? 20,800 आएगा। आगे देखेंगे, परसेंटेज हमारे दे रखे हैं तो 2018 से 2020 तक में सभी वर्षों में कुल व्यक्तियों का अनुपात दे रखा था 2, 2, 3, 3, 4, 5। तो 2018 से 2022 तक के सभी वर्षों में खाड़ी गल्फ में कुल भारतीयों का अनुपात पूछा है। तो आप सरल कर सकते थे। कैसे निकाल सकते हैं? आपको पहले 2018 का थोड़ा सा एक को मिलान कर सकते हैं, उत्तर बन जाएगा। उत्तर एक दो से बन सकता है। 2018 में अगर देखेंगे तो 2018 में भारतीय आएंगे, 2018 में यहां 2, 3, 3, 3, 4, 5 का अनुपात दे रखा है। तो मान लीजिएगा 2 का मतलब कि 2018 में 2 का मतलब 200 कैंडिडेट है, तो आप 200 को लिख लें और 200 लिख लें और उसमें भारतीयों की संख्या 57.5 दे रखी है। भारतीयों की संख्या 57.5 दे रखी है 2018 में। आप सरल करेंगे 57.5 को 2 से 2 सरल हो जाएगा, आपका बनेगा 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15, 2 5 10 और 1 11। तो आपको 115 बन रहा है और 115 का मतलब 115 23 से कटता है, तो आपके ये वाले नहीं आने वाले हैं। इन दो में से उत्तर बनेगा और इन दो में उत्तर आपका बनेगा सी। इसी प्रकार से सभी को इसको 300 मान के, इसको 300 मान के, इसको 400 और इसको 500। जैसे अगर हम लास्ट वाला चेक करना चाहें तो लास्ट वाले में कितना दे रखा है? 2022 तक दे रखा है। 2022 में अनुपात के अनुसार देखेंगे तो आप कैंडिडेट 500 मानेंगे। 500 का नेपाल भारतीयों का बताना है, भारतीय 20% है। भारतीय कितने हैं? 20% है। सरल करेंगे तो 20 × 5 = 100 बनता है। और जैसे 115 का बट्टे 5 23 था, इसी प्रकार 100 का बट्टे 5 20 होता है। आप पहला और लास्ट को चेक करके आप उत्तर लगा सकते थे। आगे देखिएगा अगला दे रखा है, यदि 2019 में खाड़ी में कुल भारतीय की संख्या 2022 में खाड़ी में अफगानिस्तान के कुल लोगों के बराबर है तो संबंधित में नेपाल के लोगों का अनुपात बताना है। अनुपात आएगा आपका 2:3, अनुपात आएगा 2:3। आगे देखेंगे अगला, दे रखा है यदि 2020 में कुल व्यक्ति 2021 में कुल नेपाल लोगों के 3 गुना है, अर्थात अगर 2020 में जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, अगर आपके 30 व्यक्ति आ रहे हैं तो आप उधर का आंकड़ा 90 मान लेंगे। इस प्रकार से सरल करेंगे तो आपका उत्तर 15 का डी आएगा, 15 का डी, 5% आएगा। आगे देखेंगे, आगे एक और तालिका दे रखी थी जो लाभ छूट और लागत मूल्य से संबंधित थी। सरल करेंगे, दे रखा है अंगूठी का लागत मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, मतलब इसमें अंगूठी नहीं दे रखी है,
लेकिन शर्ट के लागत मूल्य से 30% अधिक है, तो शर्ट का आपको मूल्य दे रखा है 30%, 30% का 30% अधिक कर देंगे तो आप 13 से गुणा कर देंगे तो 13 दूनी 26 और 13 3 39 और 2 41 अर्थात अंगूठी 416 की आ जाएगी, अंगूठी 416 की आ जाएगी। दुकानदार इस पर 35% की छूट देकर 25% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो आप सरल कर देना, आपका उत्तर 800 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा उत्तर। 17 को देखेंगे, 17 में दुकानदार ने ग्राहक को 2 शर्ट 2 3 चश्मे 2 पैंट और 1 किताब बेची, उसका अनुमानित औसत कितना आएगा? तो उसका अनुमानित औसत 47.75 अनुमानित नहीं बिल्कुल फिक्स आएगा, दशमलव में भी अंक एक एक अंक मैच होगा, 47.75 आएगा। आपको क्या करना है? दी हुई तालिका के अनुसार इनका सभी का 2 शर्ट का 3 चश्मे का 2 पैंट का और 1 किताब का मूल्य निकालना है और उस मूल्य में औसत का मतलब आपको इनकी औसत से भाग मतलब संख्याओं से भाग लगा देना है। आगे देखिएगा, दे रखा है स्नेहा ने 1 शर्ट 2 बैग 1 पैंट खरीदा और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 5% की अतिरिक्त छूट दी, जो छूट दे रखी उसमें 5% की छूट और बढ़ा देना तो आपका पूछा अनुमानित कुल लाभ कितना होगा, तो आपका अनुमानित कुल लाभ आएगा 65.9 70 के आसपास आएगा, 7 बार कट रहा होगा तो आप 7 के आसपास में 65.9 उत्तर लगा देंगे, 65.9 उत्तर लगाएंगे। दे रखा है चश्मे का अंकित मूल्य पुस्तक के अंकित मूल्य से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिएगा चश्मे का आपका अंकित मूल्य दे रखा है, लागत मूल्य 200 दे रखा है, अंकित मूल्य हो जाएगा 200 का 25% लाभ है तो 250 हो जाएगा, उस पर 35 की छूट है तो 285 हो जाएगा, चश्मा कितने का हो जाएगा? 285 का हो जाएगा। पुस्तक का निकालेंगे, पुस्तक का अंकित मूल्य तो पुस्तक है 140 की, 20% लाभ चाहिए तो 168 पर 14 की और छूट चाहिए तो 182 आ जाएगा पुस्तक का, 182 से कितनी परसेंट अधिक है तो आप बताएंगे 103 अधिक है, 182 पर आप निकालना तो 18 छिक्के 108 60 से कम आएगा और 60 से कम में 56.59% आएगा, 18 छिक्के 108 से कम है अर्थात 60 से थोड़े से कम है, पूरा पूरा नहीं है, पूरा 50 कम लगाना जब यहाँ 90 होता तो 90 नहीं लगाकर आप 56.59% लगा देंगे। आगे दुकानदार द्वारा बेचे गए चश्मे और किताब पर छूट, किताब पर छूट प्रतिशत का अनुपात बताएंगे तो आपका अनुपात पहला आएगा 91:57, इसी प्रकार से अगर सरल करेंगे तो 91:57 आएगा, आपका उत्तर ऐसे सरल में आएगा 1:57:1:91 तो क्रॉस गुणा होने पर भिन्न में क्रॉस गुणा होगा तो आपका 91:57 आएगा। आगे देखिएगा एक और तालिका, बहुत ही सुंदर तालिका थी जिसमें 2 टेबल दे रखी है, जो एक में विज्ञापन का खर्च बता रखा है और एक में बिक्री बता रखी है, ये हमारा विज्ञापन का खर्च में करोड़ में है 50 करोड़ 25 करोड़ आदि, और ये हमारे करोड़ में बिक्री दे रखी है तो बिक्री दे रखी है, इस पर आधारित प्रश्न है, आप उत्तर मिला सकते हैं एक बार। देखिएगा कोई उत्तर, यहां देखिएगा एक उत्तर यहां बनेगा, यहां उत्तर देखेंगे, आपका ग्राफ है तालिका संबंधी, तो देखिएगा आपका दे रखा है किस वर्ष में उत्पाद क्यू का लाभ सबसे अधिक है, यदि इसकी बिक्री हर साल कुल बिक्री का 20% है तो कैसी बिक्री वाला, आपका बी विकल्प होगा 2020-21, कौन सा होगा? 2021 होगा, 2020 और 21। आगे देखेंगे 21-22 में कंपनी की बिक्री 30% घट जाती है, अगर आप इसे सरल करेंगे 21-22 में 30% घट जाती है, सरल करेंगे तो आपके 22 में प्रश्न का उत्तर 212.225 करोड़ बनेगा, 212.225 करोड़ बनेगा। आगे 23 का देखेंगे तो 23 का उत्तर आपका आएगा 2016-17 में सभी उत्पादों के लिए विज्ञापन व्यय आधा हो जाता है तो आपका उत्तर 2018-19 आएगा,
2018-19 आएगा। आगे देखिएगा, दिए गए वर्षों में उत्पाद एस का विज्ञापन पी के पी और आर को मिलाकर विज्ञापन पे व्यय के प्रतिशत के रूप में सबसे कम है, तो कौन सी जगह पर होगा जहां सबसे कम है, वो बनेगा आपका 2020-21। कौन सा बनेगा? 2020-21 बनेगा। और एक और लास्ट हमारा डीआई का प्रश्न है कि यदि वर्ष 2020-21 में उत्पादों पी क्यू आर और एस की बिक्री का अनुपात 2:5:1:2 हो तो एस का लाभ उसी वर्ष क्यू के लाभ का लगभग कितना परसेंट होगा, तो लगभग में उत्तर आपका 38.3 आएगा। 38 सही, 1/3 आ रहा है, जिसे आप 38.33% ले सकते हैं, 38.33% ले सकते हैं। आगे देखेंगे आपका ये सब जीएस का पार्ट सभी पूरा सरल हो चुका है, चेक करते चलिएगा, कोई भी पार्ट अगर छोटा हो तो बता सकते हैं। आगे देखिएगा, मैथ में मैथ का कुछ 5 प्रश्न आते हैं, उन 5 प्रश्नों को देखिएगा, बहुत ही ये इनका कह सकते हैं ये आपके पैट लेवल के प्रश्न थे। हाँ, पैट लेवल के कहेंगे तो किन्हें बताएंगे, आप इन प्रश्नों को बता सकते हैं कि ये पैट लेवल के प्रश्न थे। दे रखा है 1/9, 1/6, 1/12, 20, 30, 42, 56, 72, इनको दे रखा है, किनको, इनको सरल करेंगे तो क्या बनेगा, तो आप इनको सरल कर देना, बहुत ही सिंपल मेथड होता है कि आपको नीचे वाले हर के मान के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका अंतर ऊपर लिखा हो, तो 6 के 1, 9 के गुणनखंड नहीं होंगे, तो 9 को ना होंगे तो 9 को ऐसे ही रहना, 1/6 को लिख देना 2/3, 12 को लिख देना 3/4 और अंतिम वाले को लिख देना 8/9। तो क्या होता है, बीच के सभी पद एक दूसरे से कट जाते हैं, आपका बचेगा 1/9 और पहला पद माइनस अंतिम पद, और माइनस अंतिम पद, तो 1/9 से 1/9 भी कट जाएगा, आपका उत्तर पहले विकल्प का 1/2 रहेगा, कितना रहेगा, पहला विकल्प वाला 1/2 रहेगा। आगे देखिएगा, दे रखा है एक्स के किस मान के लिए ये मान बन होगा, तो बन को सरल करेंगे तो देखिएगा, अगर गुणा दे रखा है तो आप गुणा को सरल कर दें तो आपका बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर क्या बनेगा, इन दोनों का गुणा होकर इधर आ जाएगा 21, और आप 189 को ले सकते हैं, 21 गुणा 9, 21 निम्मा 189, 21 निम्मे 189। तो देखिएगा, आप वर्गमूल लेंगे तो आपका एक्स का मान 21 और 9 का वर्गमूल 3, अर्थात आपका 21 दिया 63 बनेगा, 21 दिया 63 उत्तर आ जाएगा। आगे देखिएगा, सरल करेंगे, एक और सिंप्लीफिकेशन का घातांक करने से संबंधित प्रश्न था, तो देखिएगा सरल करेंगे तो ये है 3 की घात, आप कह सकते हो 81 को 3 की घात -4 और 3 की घात है -5, तो 3 की घात कितनी हो गई, -9 हो गई, तो माइनस वाले से +9 ये सब कट गया, केवल रह गया 64 की घात 5/6, जिन्हें आप 64 की घात 5/6 को अगर इसको 2 की घात 6 लिखेंगे, 6 की घात 5/6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 की घात 5 का मान 32 बचेगा। ऐसे ही इसको लिखेंगे तो ले सकते थे 3 की घात 6/3 या 3 × 6 = 3, 2 अर्थात 32 × 9, तो 32 × 9 करेंगे तो 9 × 2 = 18, आपका 32 निम्मा 288 होता है, उत्तर 288 आएगा। आगे देखेंगे, ये जीएस के प्रश्न सभी हो चुके होंगे, और कोई देखते हैं, एक और सिंप्लीफिकेशन का सरल सा सवाल था, दे रखा है दशमलव, क्या दे रखा है, दशमलव, देखिएगा 59वां प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा, ऊपर दे रखा है 0.0203 × 2.92, पर इसमें भाग लगवा रहा है 0.0073 × 14.5 × 0.7, दशमलव गिनेंगे, ऊपर 4 और 2 6 अंकवाद है और नीचे भी 4 और 2 6 अंकवाद है, तो सभी दशमलव हटा सकते हैं, तो आप फिर सरल कर दें, आप सरल करेंगे
तो सात से सरल कर दीजिएगा, सात से सरल करेंगे तो सात दूनी 14, सात निम 63 होते हैं, सात निम 63 होते हैं। आगे 73 से काट दीजिएगा, 73 से ये 2.92 था, 292 है। तो देखिएगा 3 का 4 बाद 73 जब 272 होते हैं, 29 से 29 पंजे 145 होते हैं, 4/5 बनेगा और 4/5 को 0.8 लिखेंगे, 0.8 लिखेंगे। आगे देखेंगे अगला 60वां प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। देखिएगा क्या प्रश्न ने कहा था, दे रखा है कि गीता की राय में उसका वजन 55 से 60 है, 55 से 62 के बीच है गीता की राय के आधार पर। उसकी माँ के आधार पर देखें तो माँ ने कहा है कि उसका वजन 50 किलोग्राम से अधिक, लेकिन 60 किलोग्राम से अधिक, 60 किलोग्राम से कम है, 50 और 60 के बीच है। उसके भाई का मानना है कि उसका उनका वजन 58 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है। भाई क्या कह रहे हैं, भाई ये कह रहे हैं 58 से प्लस नहीं करना है। यदि वे सभी अपने अनुमान में सही हो तो गीता के विभिन्न संभावित मानों का औसत बताएंगे। तो देखिएगा आपको 55 से स्टार्ट करना है और इन तीनों की बातों को मानना है, लेकिन 55 किलोग्राम से अधिक अधिक करना है तो 55 को नहीं लेना है। एक आंकड़ा आपका संभावित बनेगा 56, 56 का गीता भी मानेंगी, उनकी माँ भी मानेंगी और उनका भाई भी मानेगा, क्योंकि भाई ने 58 से ऊपर की मना कहा है। तो 56 भी मानेंगे, 57 भी मानेंगे, 58 भी मानेंगे, क्या 58 भी मानेंगे, क्योंकि 58 से ऊपर की मना कहा है और इन तीनों का किसी ने मना नहीं कहा है, इन ये तीनों सभी के अनुमान से सही है। तो आपका औसत 57 बनेगा, आपका औसत बीच का मान 57 बनेगा। आगे देखिएगा दे रखा है किस विकल्प के वाक्यांश के लिए एक शब्द सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो दे रखा है गिरने से बची हुई बची इमारत, तो जो बच जाएगी उसे ध्वंसावशेष कहेंगे, तो ध्वंस से क्या हो जाए, अवशेष बच जाए। पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते हैं, पूर्णिमा की रात को कुहू नहीं कहते हैं, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं, कुहू कहते हैं अमावस्या की रात को, अमावस्या की रात क्या कहलाएगी, कुहू कहलाएगी। शिव का धनुष पिनाक कहलाएगा और शिव को पिनाकी कहते हैं, पढ़ा रखा है मैंने आपको। ऐसी भूमि जो उपजाऊ ना हो ऊसर कहलाती है, तो कौन सा सुमिलित बनेगा, बी असुमिलित बनेगा। हाथ को हाथ ना सूझना होता है बहुत घना अंधेरा होना, हाथ ही ना लगेगा इतना अंधेरा हो जाए कि आपको हाथ में भी हाथ अपना हाथ पकड़ने में भी डर लगे, तो हाथ को हाथ ना सूझना बहुत घना अंधेरा होना होगा। आगे पित्त धन इच्छा यण संधि का उदाहरण है। री और ई मिलकर री बना देंगी और त्री और ता त्रि बना देंगे, तो आपका डी विकल्प बनेगा पितृच्छा, क्या बनेगा पितृच्छा बनेगा। आगे पूछा गया है 64 में किस विकल्प में सभी शब्द तरंगणी शब्द के पर्यायवाची है, तरंगणी नदी शब्द का पर्यायवाची होता है, तो आपके उत्तर बनेंगे सरिता तटनी निम्न का, विकल्प सी बनेगा, कौन सा बनेगा, विकल्प सी बनेगा। ललना नारी का पर्यायवाची है, वनिता नारी का है, कामनी नहीं है, इसलिए पहले और दूसरे हटा दो। निर्झरी निम्न का विभावरी रात का है, इसलिए ये हटा दो, इसलिए आपका उत्तर सही उत्तर सी बनेगा। आगे देखिएगा 65वां, आपकी रचनाओं से इस बार के पैट की परीक्षा में कल की 2 शिफ्टियां भी बाकी है, तो आप एक बार जिन लोगों ने साहित्य को पढ़ रखा हो पहले से वो अपने एक नंबर को पक्का कर सकते हैं थोड़े से साहित्य का आज रिवीजन करके, क्योंकि साहित्य से बहुत ही अच्छा लेवल आता है आ रहा है। पहले पेपर में पूछा गया है कलम का जादूगर किसे कहते हैं, तो कलम का जादूगर किन्हें कहते हैं, राम वृक्ष बैनीपुरी को कहा गया था, कलम का सिपाही किन्हें कहेंगे, मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। पूछा गया है मानस का हंस किसे कहते हैं, तो तुलसीदास को कहते हैं। पूछा गया अष्टछाप का जहाज सूरदास को कहते हैं, ऐसे भी कुछ पूछे जा सकते हैं। फिलहाल यहाँ देखते हैं कौन सी रचना का युग्म गलत है, तो देखेंगे बाणभट्ट की कादंबरी एकदम सही है। जयशंकर प्रसाद का देखेंगे तो जयशंकर प्रसाद का लोकायतन नहीं होगा, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं आंसू लहर झरना प्रेम पथिक कामायनी, कौन कौन सी, आंसू लहर झरना प्रेम पथिक कामायनी, समुद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, अजात शत्रु, जन्मे जय का यज्ञ, ये उनके नाटक है। कुछ कहानियां हैं ग्राम सज्जन ममता छाया आकाशदीप
ये आगे देखेंगे कौन सा सही उत्तर बनेगा, तो आपका जयशंकर प्रसाद का लोकायतन नहीं होगा, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि का होगा। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहते हैं, इनकी रचनाएं लोकायतन, उच्छ्वास, पल्लव, युगांत, युगवाड़ी और सबसे प्रसिद्ध इनकी रचना चिदंबरा, जिसके लिए इन्हें पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। वात्स्यायन का कामसूत्र रचना एकदम सही है। मुंशी प्रेमचंद के बहुत सारे क्या है उपन्यास है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध गोदान है, गबन है, कर्म भूमि है, रंग भूमि है, मंगलसूत्र है और निर्मला है। मंगलसूत्र इनका उपन्यास ऐसा है जो अधूरा रह गया। तो ये थे हमारे हिंदी के प्रश्न। हिंदी के बाद देखिएगा कुछ और छूटा हो, हिंदी के बाद देखते हैं आपकी थोड़ी सी रीजनिंग छूटी है। रीजनिंग में देखेंगे तो रीजनिंग में 10:25 पर सुइयों के बीच प्रतिवर्ती कॉल पूछा गया था, अर्थात प्रतिवर्ती का मतलब ये वाला कॉल पूछा गया था, ये वाला कॉल निकालेंगे तो 10:25 पर आपका ये बन रहा होगा, तो ये वाला कॉल पूछा गया है तो आपका बनेगा 197 सही 1/2। 10:25 पर लगभग इस प्रकार से घड़ी बन रही होगी, ये यहाँ आ रही होगी, तो ये वाला कॉल पूछा गया है तो आपका बनेगा 197 सही 1/2। प्रतिवर्ती अच्छा पीछे वाला ये वाला बनेगा, हाँ पीछे वाला कौन होता है तो पीछे वाला बनेगा 197 सही 1/2 का। आगे इनमें बेजोड़ देखेंगे तो बेजोड़ में आपका पहला विकल्प सही बनेगा 161, 207, 299, 347। आगे देखेंगे इनके अलावा रीजनिंग का कुछ और भी है प्रश्न, देखिएगा ये एक और है 72 में देखेंगे तो बनेगा 72 में चेन्नई जयपुर से बड़ा है, सूरत कोलकाता से बड़ा है, रायपुर जयपुर जितना बड़ा नहीं है लेकिन सूरत से बड़ा है, लेकिन सूरत से बड़ा है, कोलकाता सूरत इतना बड़ा नहीं है, सबसे छोटा नागपुर है। तो आपका उत्तर सभी ने अगर सरल करेंगे बहुत ही सही है, सूरज कोलकाता से बड़ा नहीं है तो आपका उत्तर कोलकाता बनेगा। एक और देखिएगा रीजनिंग में एक दो एक प्रश्न और छूट रहा है, एक और दे रखा है जिसको आपका पंक्ति से था व्यवस्थापन से था, तो व्यवस्थापन में आपका 71 का उत्तर में गलत विकल्प देखा सत्य नहीं है, गलत विकल्प का पूछा है तो गलत विकल्प में आपका डी उत्तर बनेगा, विमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर है, ये बात गलत निकलेगी। तो देखिएगा आपका 71 हो गया। रीजनिंग में 5 प्रश्न आते हैं, 5 में आपका ये हो रखा है, इंग्लिश आपको यजीत सर ने करा रखी होगी। एक और प्रश्न रह जाता है रीजनिंग का 75 जो कारण और प्रभाव से पूछा गया है, तो कारण और प्रभाव वाले में अगर सरल कर चेक करना तो आपको मिलेगा बी उत्तर, यदि कथन एक कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है, कथन एक कारण है और कथन दो इसका क्या होगा प्रभाव होगा। आगे देखेंगे शायद एक गद्यांश हमारा रह गया है, एक गद्यांश को और देखते हैं। गद्यांश में देखिएगा आप कहां से देखेंगे, हमारा गद्यांश दे रखा है 96 से 100 देखेंगे तो देखिएगा 96 का उत्तर क्या बनेगा, 96 का उत्तर बनेगा मानवता कब खिल उठती है, मानवता तब खिल उठेगी जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है, जब पिछड़ों को सहारा देने लगेंगे आपकी मानवता स्वयं जागृत हो जाएगी। पूछा गया है आध्यात्मिक, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, आध्यात्मिक में शब्द में उपसर्ग मूल शब्द एवं प्रत्यय बताएंगे, तो आपका मूल उपसर्ग बनेगा अधि, मूल शब्द बनेगा आत्मा या आत्म स्वयं के लिए प्रयोग करेंगे और प्रत्यय बनेगा एक, और ऐसा दे रखा है हमारे पहले विकल्प में, कौन से विकल्प में, पहले विकल्प में दे रखा है। आगे देखेंगे 98 स्वामी विवेकानंद इस बात को समझते थे और अपने आचार विचार में अपने समय से बहुत आगे थे, तो देखेंगे पूछा गया ये व्याकरण की दृष्टि से या वाक्य रचना की दृष्टिकोण से कौन कैसा वाक्य होगा, तो देखिएगा रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, मिश्रित वाक्य, सामान्य वाक्य या कहिएगा सरल मिश्र संयुक्त वाक्य। तो आपका पहचान होती है सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होगा, मिश्र वाक्य में की होगा, संयुक्त वाक्य में और होगा, तो हमें साफ साफ और दे रखा है तो वाक्य हम संयुक्त वाक्य लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे संयुक्त वाक्य लगाएंगे। दे रखा है 99 में गद्यांश के अनुसार धर्म संप्रदायों के विषय में विवेकानंद का विचार था, क्या विचार था, उनका विचार था कि सभी धर्म समान है और
धर्म संप्रदायों की अनेक रूपता जायज और स्वाभाविक है, मतलब उनका कहना था कि सभी धर्म समान है, सभी धर्मों का आदर करना चाहिए, तो आपका विकल्प वाला विकल्प भी एकदम सही बनेगा, विकल्प भी सही बनेगा। अगला 100वां प्रश्न और लास्टवां प्रश्न दे रखा था, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक विकास के लिए क्या प्राणघातक है, तो ये प्रश्न यहाँ पर साफ साफ इसमें जरूर साफ साफ दे रखा है, क्या है, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना क्या होगा, सबसे बड़ा प्राणघातक वाली बात होगी। हाँ, इस भारत में एक धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, कई धर्मों के लोग रहते हैं। ये था आज की यूपी पैट की परीक्षा का सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसको हमने क्रमबद्ध जीएस पहले, उसके बाद मैथ और हिंदी को मिलाकर कराया है, तो मैथ और हिंदी को मिलाकर कराया है। तो सभी लोग अपना पेपर को एक बार, जो भी जैसा भी हुआ हो, एक बार अवश्य चेक कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि आपका पेपर सही हुआ है या जो भी हुआ हो, जैसा भी हुआ हो, तो एक बार क्या कर सकते हैं आप लोग, अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मेरे पेपर का लेवल का स्तर, मेरा ये प्रश्न रहा, इतने प्रश्न मेरे सही रहे हैं, मैंने इतने प्रश्न अटेम्प्ट कर पाए हैं, और अपने पेपर के बारे में अपनी राय भी प्रस्तुत कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद सभी का, शुभ रात्रि, गुड नाइट।